आप एक लिस्ट बना लें कि कौन 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 ऐसा है जिसने मेरे दिल को तोड़ा है। अल्लाह करे कि वो लिस्ट बहुत छोटी सी हो, अल्लाह करे कि कोई भी ना हो, लेकिन अगर हो तो एक आधा बंदा हो, एक भी ना हो इंशाल्लाह। अगर वहाँ कोई एक बंदा है आपकी लिस्ट में कि जिससे आप थोड़ी सी नाराज़ हैं, तो लिखिए मैं क्यों नाराज़ हूँ, नंबर टू। फिर लिखिए कि मैंने उसको माफ़ करना है, कैसे करूँ, थोड़ा सा लिखें, खलवत तन्हाई में तदब्बुर करें, क्यों माफ़ करूँ, किस लिए माफ़ करूँ, माफ़ करने के मुझे फ़ायदे क्या है। बाकायदा बताया गया माफ़ करना ऑक्सीजन की तरह है जो आपके दिमाग को फ्रेश, लाइवली, आजकल हमें पता है ऑक्सीजन, यू नो, ब्रीथिंग, हमें पता है कितनी वेंटिलेटर, क्या जिंदगी हमें इसी से मिलती, ऑक्सीजन है ये, ऑक्सीजन हयात देती है। तो आप अपने आप से ये पूछे मैं क्यों माफ़ करूँ। इसलिए माफ़ करूँगी कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इन्ना अहले बैत मुरव्वतुना अलअफ़ अम्मन ज़लमना, हम अहले बैत की मुरव्वत और हमारी सीरत, हमारी मर्दानगी, हमारी जो शुजात है वो इसमें है कि हम जिन्होंने हम पर ज़ाती तौर पर जुल्म किया है हम उन्हें माफ़ कर देते हैं। इस्लाम पर कोई आँच आ जाए तो वहाँ हम रिएक्ट करते ताकि क़यामत तक की नस्लों के लिए का सोच रहे होते मासूम, लेकिन हम पर कोई जुल्म कर दे तो हम उसको वहाँ माफ़ करते, जहाँ यकीनन फ़ायदा हो वहाँ पे माफ़ कर देते हैं। तो नंबर वन हमने इन चीज़ों को देखा, नंबर टू हमने उसके फ़ायदों को देखा। देखें आप अगर साइंटिफिकली भी देखें, साइंस भी कहती है कि अफ़ करने की ताकत को आप कम ना समझो। देखिए साइंस आपको मालूम है, अफसोस के साथ शुरू में सिर्फ जिस्म या मादा मटेरियल, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इंसानी नफ्सियात, साइकोलॉजी, हमारी अंदर की दुनिया, फिर शुरू में हर चीज़ सिर्फ शुऊर, कॉन्शियसनेस के बारे में था, फिर बहुत ज़्यादा अब अनकॉन्शियसनेस के बारे में बहुत ज़्यादा मुतालिया हो रहा है, और ज़्यादा डीपर एंड डीपर, और अब थोड़ा थोड़ा स्पिरिट, अब जाके हल्का हल्का स्पिरिट की जानिब आए। तो कहते हैं सेहत, आफियत, तंदुरुस्ती, हेल्दी लाइफ की जो चाबी है ना, की है ना, समझ रहे हैं आप, की वो है माफ करना। और पता है आप जब माफ करते चले जाते हो, भाग 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 आपकी ग्रोथ बढ़ती जाती है, सब आपको पसंद करते हैं। कौन सा नबी आपसे नाराज होगा अगर आप माफ कर दें, कौन सा इमाम आपसे, सब खुश होंगे, सब दुआएं देंगे।